हाउ टू प्रोसीड विद अ हियरिंग लॉस इन एजिंग, विच इज जनक अग्रवाल जी। एजिंग में हियरिंग लॉस में ऐसा है कि ये तो इनएविटेबल है, हमारा जैसा जेनेटिक होता है उसी हिसाब से हमारी एजिंग होती है। किसी को प्रोस्टेट जल्दी होता है, किसी को बाल सफ़ेद जल्दी होता है, तो किसी को हियरिंग लॉस जल्दी होता है। अगर है अर्ली इसको रिकॉग्नाइज करें, उसका रेगुलर टेस्टिंग कराएं, और जिस स्टेज पे लगे कि अब बहुत काम नहीं चल रहा उसके बिना, तो हियरिंग एड का इस्तेमाल करें। सो टिनाइटस पे बहुत सवाल हैं, पूनम जी का, जनक जी का, काफ़ी लोगों का है, बट मैं एक इम्पॉर्टेंट लेना जा रहा हूँ कि एस्पिरिन एंड हियरिंग लॉस। जी हियरिंग लॉस तो नहीं मैं एस्पिरिन से कहूँगी, पर टिनिटस एस्पिरिन से नोटिस किया गया है, और अगर है तो कुछ टाइम के लिए आपको एस्पिरिन विड्रॉ करने से टिनिटस रिकवर भी हो जाता है। दूसरी कुछ मेडिसिन है जिनका टिनिटस रिकवर नहीं होता, पर इन केस ऑफ एस्पिरिन इट इज नोटिस, सो यू कैन विड्रॉ एस्पिरिन फॉर सम टाइम एंड देन ट्राई इट अगेन। तो दोबारा ट्राई कर सकते हैं फिर। जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमें देखना है कि एडवांटेज वर्सेस डिसएडवांटेज, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, और एक कार्डियोलॉजिस्ट के सामने कैसे मैं कह सकती हूँ कि आप एस्पिरिन बंद कर दो, तो वो तो थोड़ा मुश्किल है। ये हमारा थोड़ा खींचतान चलता है, नाक की ब्लीडिंग में भी चलता है, तो एज पर एडवाइस ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट वी मे हैव टू रीस्टार्ट, पर कुछ लोग प्रिवेंटिवली यूज़ करना शुरू कर देते हैं बिना एडवाइस के, वो थोड़ा सा आप अगर टीनिटस है तो ना करें, ज़रूरी नहीं है तो नहीं।